हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। कल आप लोगों को पता है ना, हम लोग जो है वो मनाली शाम को क्या यार, रात ही होगी थी, रात को जो है वो पहुंच चुके थे। और पहले हम लोगों का काम था यार कि हम लोगों ने रहना कहाँ है। मैंने इन अपने दो बंदों को पूछा कि रहना कहाँ पे, ये कहते हैं भैया हम लोगों ने क्या है कि कैंपिंग ही करनी है। तो फिर हमारा जो है मनाली में एक दोस्त है रोहित, जिसको मैं पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उसने क्या है ना हमारे लिए जो है वो कैंपिंग के अरेंजमेंट बड़ी अच्छी लोकेशन पे कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हमारा कैंप लगा हुआ है और वो है सामने जो है मेन हाईवे जो लद्दाख को जाता है। तो हम लोग जो है गौरव हेलो कर, हेलो गुड मॉर्निंग, उठ गए हम लोग। फिर रात को यहीं पे सो गए थे, इतना मजा आया ना। एक दिक्कत आई यार, क्या है ना कि रात को हमें इतनी ज्यादा ठंड लगी ना, आपको पता है पास में जो है ना नदी बह रही है, और यार आपको पता है रात को नदी का पानी तो ऑलमोस्ट ठंडा होता ही है, और इस इलाके पे ना इतनी ज्यादा सर्दी हो जाती है ना, हमें इतनी ज्यादा ठंड लगी। रोहित ने क्या किया हमारे लिए ना, ब्लैंकेट जो है वो ले आया था। वो देखो वो ब्लैंकेट पड़ा हुआ है, आपको दिखाता हूँ, ये जो है ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। तो हमें जो है उसने ब्लैंकेट का अरेंजमेंट करके दे दिया था, जिससे भाई थोड़ा सा जो है फर्क जो है वो पड़ ही गया था। तो एक दिक्कत होगी और होगी यार रात को। दिक्कत क्या हुई कि जैसे हमने यहाँ पे रात को कैंप लगा दिया ना, तो फिर उसके बाद ना कुछ लोकल लोग आ गए पास के, पता नहीं ड्रिंक वगैरह की थी उन्होंने, तो वो पास के आ गए यहाँ पे, तो हमें बोलने लगे कि आपने यहाँ पे क्यों कैंप लगाया, ये है वो। एक चीज़ अच्छी होगी यार कि लोकल दोस्त जो था वो हमारा साथ था, नहीं तो भाई मतलब उन्होंने क्या ही करना था, ये था कि हमें कैंप जो है फिर वो आगे सोलांग वैली तक वहाँ पर लगाना पड़ना था। हमने तो एकदम, ये देखो ये सामने जो है वो ओल्ड मनाली है, तो भाई ये दूसरी साइड का रोड जो लद्दाख को जा रहा है, और हमने इतनी पास जो है वो कैंपिंग कर दिया। वैसे यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड है नहीं, अगर आप लोग कभी आते हो कैंपिंग करते हो तो प्लीज़ सोलांग वैली तक जो है वहाँ पे कैंपिंग करो, और काफ़ी मज़ा आएगा आपको ऐसी वाली लोकेशंस पे कैंपिंग करने के लिए। तो आज हमारा प्लान ये है, हम लोग जो है वो मनाली थोड़ा सा घूमेंगे, फिर उसके बाद या फिर पहले जो है अटल टनल जाएंगे, तो फिर उसके बाद शाम को देखेंगे मनाली घूमेंगे। तो आज देखते हैं, अगर शाम को वापस जाया गया ना तो कोशिश करेंगे जाने की, नहीं तो आज का प्लान आज हम लोग मनाली में स्टे कर लेंगे, तो फिर कल जो है भाई हम लोग घर पे निकल जाएंगे, क्योंकि शिवी को जो है घर पहुंचना है, इसने कहीं पे काम जाना है, तो ये दिक्कत है बस। चलो इसी के साथ ब्लॉग को शुरू करते हैं। जय माता दी। टाइम हो रहा है जी सुबह के 8 बज रहे हैं, और धूप देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है तो मनाली है। चलो इस वक्त तो क्या है ना, वेकेशन चल रहे हैं, साथ में सीज़न भी चल रहा है इनका, लेकिन क्या है ना कि सीरियसली गर्मी है यहाँ पे यार। मैंने सुबह जो है वो जैकेट डाली थी, थोड़ा सा शूट किया, फिर उसके बाद क्या है कि अभी जैकेट उतार दी है यार, तो उन्होंने टेंट वगैरह जो है पैक कर दिया। और ये देखो जी यहाँ पे जो है बस धुल रही है कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बैलून, आपको मैंने रात पिछली वीडियो में अगर आपने पूरी देखी होगी ना, तो यहाँ पे जो है वो बैलून वाली एक्टिविटी होती है, जिसको बैलून को लगा के ना वो ऊपर तक ले जाते हैं, और एक पर्सन का बैलून के चार्जेस ऊपर जाने के 1500 रुपीज़। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप और 1500 डालोगे ना, तो सच्ची में कटरा से लेके वैष्णो माता तक पहुंच जाओगे, वो भी हेलीकॉप्टर पे। ये सच्ची बात है, ठीक है। तो ठीक है जी, अब हमारा सामान वगैरह जो है सारा निपेटते हैं, तो पहले हम लोग ना अपने दोस्त के पास जाएंगे, तो ये सारा सामान जो है उसके पास रखेंगे, फिर उसके बाद हम ना अटल टनल वाली साइड निकलते हैं। चलो बने रहो ब्लॉग में। हो गया जी। तो जी ये रहा हमारा कंबल, पर अगर ये नहीं होता ना तो लिटरली रात को प्रॉब्लम हो जाती, और अब यहाँ से क्रॉस करने जाना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। चलिए जी, हम लोगों ने बाइक जो है वो उस साइड पार्क की है, आप लोग देख सकते हो। तो जी यहाँ पे हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट आ चुका है, प्लान जो है हमारा चेंज हो गया। प्लान क्या चेंज हुआ कि पहले हम रोहित के पास जा रहे थे, तो लेकिन अब जो है हम इसी शॉप पे जो है सामान रखे और साथ में अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गौरव कैसे हो आप? बढ़िया। तू क्यों बीमार है भाई? बीमार हो गया। अभी 3-4 दिन निकालने, कैसे निकालेगा? कह रहा था मैंने बस में चले जाना है, भेज देना इसको ना सामान के साथ है, ये सबसे बड़ी दिक्कत दे रहा है। ले जी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, और हम लोग चलते हैं, और अब लोग हम जाएंगे जी अटल टनल वाली साइड, और ऊपर देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है। तो यहाँ से सोलांग वैली रहता है सिर्फ 7 किलोमीटर, और रोहतांग जो है वो 46 किलोमीटर है। अब देखते हैं यार रोहतांग का प्लान कैसा रहता है, वैसे डिसीजन तो लिया कि चलो रोहतांग जाते हैं, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि रास्ता कैसे रहता है। तो वैसे अटल टनल तो हम लोग क्रॉस कर ही रहे हैं, तो गौरव अभी फिर से वापस गया है, क्योंकि यार डॉक्यूमेंट जो है ना उसके वो बैग में रह चुके, तो बैग जो है वो पिछली वाली शॉप पर रख दिया हमने। तो चलो कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट ज़रूरी है भाई। और ये जो न्यू ब्रिज तैयार हुआ है, आपको पता है ना पहले जो था वो पुराने ब्रिज से उस साइड जाते थे लोग, और अब यहाँ पे जो है वो न्यू ब्रिज भी स्टार्ट हो चुका है। चलो अच्छी बात है।
टाइम हो रहा है जी दोपहर के 12 और मैं सलोंग वैली से 1 किलोमीटर पीछे हूँ। गौरव जो है वो पीछे रह गया, मैं सोच रहा हूँ यार, और वो देखो वो आ भी गया, नाम लिया और बंदा आ भी गया। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे नज़ारे लगे पड़े हैं, छाया देखी मैंने अच्छी से, मैंने कहा चलो यार छाव में जो है वो खड़ा हो जाता हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने जैकेट भी डाली है, जैकेट क्यों डाली है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यार जब बाइक राइड कर रहा हूँ ना तो हल्की हल्की सी ना ठंड महसूस हो रही है, मैं नहीं चाहता यार कि हम लोग बीमार हो जाएं, क्योंकि अभी शायद 1-2 दिन जो है हम और निकालें। अभी का प्लान इतना ही है कि अटल टनल तक जाएंगे, तो अभी सोच रहे हैं कि रोहतांग तक अगर हुआ तो ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास यार ग्लव्स वगैरह भी नहीं, आपको पता ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी तो उसके लिए पूरा तैयार रहना पड़ता है, आपको पता ही है। तो ठीक है जी निकलते हैं, गौरव आ गया, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करेंगे, नज़ारे लगे पड़े हैं जी, ब्लॉग में पूरा बने रहो, काफी मजा आएगा आपको, ठीक है चले गौरव चलो चलो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जी सलोंग वैली में, तो ये है जी सलोंग वैली, थोड़ा पीछे भी है थोड़ा, ये है जी आगे, यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिल जाती है, आप लोग देख सकते हो। वैसे वो जो देखो आप रोप वे राइड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ये रोप वे आई थिंक वो ऊपर तक जाता है, फिर ऊपर भी कुछ होगा तो वो अभी आइडिया नहीं है कि ऊपर है क्या, तो पैराग्लाइडिंग वगैरह और भी थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है, बाकी आप लोग जो है आ सकते हो मस्ती मार सकते हो और क्या। मैं पहुंच चुका हूँ कुछ इस तरह की लोकेशन में, अटल टनल आप यहाँ से रहता है सिर्फ 7 किलोमीटर, और मैं जो हूँ काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ, पता नहीं मैं जल्दी चल रहा हूँ या फिर वो जो है वो थोड़ा लेट चल रहे हैं, पर ऊपर का मौसम देखो यार आप, मेरे को लगता है अटल टनल के बाद ना कहीं बारिश ना लगी हो, क्योंकि ऊपर मौसम जो है वो बिल्कुल खराब है यार। चलिए वो तो आगे की बात है, वहां पे देखते हैं। और जी आ जाओ जनाब, कहाँ पे हो आप? इसका नाम है ढूंढी ब्रिज, ढूंढी ब्रिज, DHUNDI, हाँ ढूंढी ब्रिज, ये ढूंढी ब्रिज है पीछे लिखा हुआ मैंने अभी बड़ा। चलिए जी धीरे धीरे चलते हैं आगे। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जी अटल टनल वाली साइड, तो अभी ना यहाँ से हम किसी ने जैकेट मेरे को लगता है डाली नहीं है, लेकिन इसके बाद जो है ना मौसम एकदम चेंज होने वाला, आप लोग ऊपर ही देख लो यार। तो हम लोग जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा आगे चलेंगे, और इस टनल के अंदर एक ही चीज़ है, अगर आप लोगों ने पेट्रोल कैरी किया होगा ना तो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, तो अगर कोई लेह लद्दाख जाता है ना तो पेट्रोल जो है इसके बाद एक पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ से डलवाया करो, यहाँ से जो है खाली कैन ही लिया करो। ओके तो चलिए हमारे बाइक्स के पास चलते हैं फिलहाल। गाइस फाइनली हम लोगों ने अटल टनल जो है वो क्रॉस कर लिया है, 9 किलोमीटर की टनल थी, और अभी हम लोग जो है वो है चंद्रा ब्रिज के पास खड़े हुए, पीछे मेरे आप लोग टनल देख सकते हो यार, और भाई साहब मजा आ रहा है ना इस वक्त, नज़ारे जो आ रहे हैं वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और आगे पीछे उस साइड तो बस स्नो पड़ी है, उस साइड कैमरा मैन मेरा जरा कैमरा घुमा के बताओ वहाँ पे स्नो पड़ी है। मैं आपको बताऊँ ना कि पिछले साल हम लोगों ने लद्दाख राइड जब की थी ना तो मैं 10th of May 2022 को भी यहीं पर था, और इस साल भी 2023 डेट थोड़ी आगे चले गई है, लेकिन इस साल भी हम लोग आए हैं और ऐसे ही हम लोग जो हैं वो चलो घूमते फिरते रहेंगे। लास्ट टाइम जब लद्दाख राइड की थी ना यार, तो आपको पता है हमारे 3-4 राइडर जो थे हमारे साथ थे, उनके साथ तो काफ़ी मज़ा आया। तो आज का सफ़र जो है हमारा अभी सोच विचार ही चल रही है, गौरव क्या कह रहे हैं रोहतांग जाएँ कि नहीं? देखते हैं अभी, देखते हैं ना, देखते हैं अगर रोहतांग का बनता है ना तो रोहतांग आप लोग जाएंगे, नहीं तो फिर कोशिश करेंगे कि यहीं से हम लोग जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन थी ना सोची हुई वो यहीं तक थी, आगे तो यार लद्दाख चले जाओ उसका क्या है। जी चलते हैं हम यहाँ से, इस साइड आप लोग मेरे देख रहे हो कि टनल है, और ये जो है रोहतांग का रास्ता जाता है, और ये वाला रास्ता जो है वो लद्दाख का चले जाता है। तो आगे जो है वो कुछ शॉप्स भी हैं, तो शॉप में कुछ खाते पीते हैं। हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना यहाँ पे, लिटरली इतना मज़ा आ रहा है। तो
गाइस अभी हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग जो है रोहतांग नहीं जा रहे हैं, यहीं पे बैठ के कुछ खा के मनाली जो है वापस चले जाएंगे। ठीक है गौरव, यह जाना पर तो मैगी हमने करवा ली है। शिवी को फोन, शिवी को फोन आ रहा है घर से, घर वाले जो है वो उसको बुला रहे हैं वापस, है ना, बेचारा बड़ी टेंशन में है। तो मैगी हमने ऑर्डर करवाई है, साथ में क्या करवाया, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट करवाया है, साथ में ये बॉटल लिया 50 रुपये की बॉटल, और बाकी देख क्या बाद में। रोहतांग जाएंगे तो वैसे भी रोज वाला सीन हो जाएगा, एक दिन तो आज भी चाहिए फिर अगर रोहतांग जाएंगे तो। कल हम लोग सोच रहे हैं कि वापस जम्मू वाली तरफ जो है वो निकल जाएंगे, अगर तो आज रोहतांग जाते हैं ना, रोहतांग जाते हैं यार फिर पूरा डे जो है ये भी हो जाएगा। तो आज भी हम लोगों ने रात को मनाली स्टे करना और थोड़ा सा मनाली भी घूमना है, तो देखते हैं क्या बनता है। मनाली जो है वो रात को ही घूमेंगे, ऑलमोस्ट लोग सारे रात को ही घूमते हैं, माल रोड वगैरह कोशिश करेंगे जाने की और हडिम्बा टेम्पल तो जरूर कोशिश करेंगे जाने। एनीवे सामने के नज़ारे देख लो आप लोग, बाइक हम लोगों ने यहाँ पर पार्क कर दी अपनी और यहाँ से जो है मैगी ऑर्डर किया और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो यहाँ भी ऊपर जा रहे हैं लोग, ऊपर पता नहीं क्या है, ऊपर रास्ता तो ज़्यादा है, पहाड़ी होंगे ऊपर। तो ठीक है जी, लोग आए हैं फैमिली के साथ चिल कर रहे हैं, आप लोग अपने यार दोस्तों के साथ ही चिल कर रहे हैं। चलो जी बेस्ट है, मैगी ऑर्डर करवाइए, मैगी का वेट करते हैं, कोई बिस्किट लेते हैं, मैं बिस्किट दे दो ये वाला, ठीक है यहीं बैठे हम। ओके तो यार तब तक बिस्किट खाते हैं।